हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे ऑल ओप्पो का पासवर्ड लॉक या पैटर्न लॉक। अगर आप लगा के भूल जाते हैं, यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, तो आपका यहाँ पर पहली बार आपका हार्ट रिसेट नहीं होगा। ऊपर में एक कोड शो कर रहा है, सबसे पहले इस कोड को डायल कर दीजिए। डायल करने के बाद यहाँ पर *813# कर दीजिए और आपका स्मार्टफोन फ्री में घर बैठे बिना कंप्यूटर का अनलॉक हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे ऑल ओप्पो का स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपके पास ओप्पो का कोई भी स्मार्टफोन है, पासवर्ड लॉक या पैटर्न लॉक लगा के भूल जाते ना, आप घर बैठे फ्री में बिना कंप्यूटर का, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बिना कंप्यूटर का आपका स्मार्टफोन फ्री में अनलॉक हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम बताएंगे करना क्या है। अगर आपके पास ओप्पो का कोई भी स्मार्टफोन है ना, जैसे कि यहाँ पर हम लोग के पास ओप्पो A3s है, अगर आपके पास ओप्पो A5s है या ओप्पो A15 है, कोई भी ओप्पो का स्मार्टफोन है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना है। आपको यहाँ पर ऑफलाइन मोड का पहला कोड यूज करना है, सेकेंड कोड एक सर्विस सेंटर का बताएंगे। इस दोनों कोड को आपको जैसे आप यूज कर देते ना, तो आपका स्मार्टफोन फ्री में घर बैठे बिना कंप्यूटर का 100% आप फ्री में अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं करना क्या है। तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, वीडियो को कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको इमरजेंसी कॉल का एक ऑप्शन शो करेगा, इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। चलिए सेलेक्ट कर दीजिए, कोई भी ओप्पो का स्मार्टफोन है, इमरजेंसी कॉल आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पर हम दो कोड बताएंगे, पहला कोड उसके बाद आपको सेकेंड कोड, ठीक है। पहला कोड रहेगा आपका ऑफलाइन मोड का, उसके बाद आपको सेकेंड कोड रहेगा आपको सर्विस सेंटर का। तो ये दोनों कोड को आपको डायल करना है और आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो जाएगा। चलिए फिर सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यहाँ पर पहला कोड यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको डायल करना है *800, सिंपल तरीके से यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर डायल करना है *01*089#, इस कोड को डायल कर देना, ठीक है। इमरजेंसी कॉल में आना है, कोई भी ओप्पो का स्मार्टफोन है, इस कोड को डायल करना है। ये पहला कोड है, उसके बाद आपको बताएंगे सेकेंड कोड, ठीक है। चलिए इस कोड को ध्यान से देख लीजिए, आप डायल कर दीजिए। अब यहाँ पर करना क्या है, कुछ करना नहीं है, सिंपल तरीके से नीचे में कॉलिंग का ऑप्शन शो कराना, तो यहाँ पर आपको 3 times कॉलिंग करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 3 times कॉलिंग करते हैं, 1, 2, 3। तो यहाँ पर इस कोड को ओनली आपको 3 times कॉलिंग करना है, ठीक है। 3 times कॉलिंग करने के बाद आपको बैक आना है। यहाँ पर देखिए अभी भी पासवर्ड लॉक लगा हुआ है, अभी भी हम लोग का स्मार्टफोन अनलॉक नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले पावर ऑफ करना है, ठीक है। चलिए आपके पास पावर ऑफ कर दीजिए, कोई भी ओप्पो का स्मार्टफोन है, पावर ऑफ कर दीजिए। पावर ऑफ करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हार्ड रिसेट मोड में लेकर चलेंगे। तो हार्ड रिसेट मोड में लेकर जाने के लिए यहाँ पर आपको ऑन अप बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन, ये दोनों बटन आपको एक साथ प्रेस करके रखना है कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। जैसे प्रेस करके रखते हैं ना, तो यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है। यहाँ पर आपका ओप्पो का लोगो आएगा, नीचे में एंड्रॉइड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर छोड़ देना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, अगर आप YouTube में वीडियो देख के सिंपल तरीके से हार्ट रिसेट करने का कोशिश करते हैं ना, तो पहली बात यहाँ पर आपका हार्ट रिसेट नहीं होगा। चलिए आपको पहले प्रूफ दिखाते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज का ऑप्शन में सेलेक्ट करना है, कुछ इस तरह से 6 से 7 ऑप्शन खुल के आ जाएगा। क्या करना है, वाइप डाटा में एक ऑप्शन मिलेगा, वाइप डाटा में आपको सेलेक्ट करना है। चलिए सेलेक्ट करते हैं, वाइप डाटा में जैसे सेलेक्ट करते हैं, प्लीज इंटर लॉक स्क्रीन पासवर्ड, यहाँ पर आपका स्मार्टफोन अनलॉक नहीं होगा। जी दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल आपका यहाँ पर स्मार्टफोन अनलॉक नहीं होगा। सेम इस तरह से आपका पासवर्ड या पैटर्न लॉक शो कर देगा, आपका स्मार्टफोन यहाँ पर अनलॉक नहीं होगा। अगर आप सिंपल तरीके से हार्ड रिसेट करने का कोशिश करते हैं, तो पहली बात यहाँ पर आपका हार्ड रिसेट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले बैक आना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, बैक आना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर फ़ोन को पहले हम लोग रिबूट करेंगे और होम पेज में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर पहला कोड को आपको सक्सेसफुल कर देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर रिबूट कर दिए, होम पेज में लेकर चलेंगे और आपको सर्विस सेंटर का कोड को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरगेट करते हैं और आगे बताते हैं करना क्या है। थोड़ा सा फास्ट फॉरगेट कर दिए, हैंडसेट हम लोग का दोबारा से ओपन हो गया, पासवर्ड लॉक अभी भी लगा हुआ है, ठीक है। तो पहला कोड यहाँ पर हम लोग का ऑफलाइन मोड का यूज हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर एक सेटिंग्स करना है, क्या सेटिंग्स करना है, चलिए आपको बताते हैं। इमरजेंसी कॉल में आपको सेलेक्ट करना है, इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, सेलेक्ट करना है। इमरजेंसी कॉल में एक यहाँ पर कोड को अप्लाई करना है, डायल करना है, उसके बाद आपको क्या करना, चलिए आगे बताएंगे। वीडियो को कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको *#899 करना है और यहाँ पर आपको हज की प्रेस करना है। चलिए प्रेस करके दिखाते हैं, *#899 और यहाँ पर आपको हज की प्रेस करना है। आपका यहाँ पर इंजीनियर मोड ओपन हो जाएगा, कोई भी ओप्पो का स्मार्टफोन है, ठीक है। अब यहाँ पर इंजीनियर मोड ओपन हो जाने के बाद बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ गया, करना क्या है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखिए एक सॉफ्टवेयर वर्जन का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर वर्जन में सेलेक्ट, जैसे आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर वर्जन में सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है,
कि आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो कितना है वो आपको सबसे पहले चेक करना है। देखिए यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन हम लोग का 8 है, तो आपका एंड्रॉयड वर्जन जितना है उतना बार आपको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, हम लोग का एंड्रॉयड वर्जन 8 है, तो यहाँ पर हम लोग 8 बार जल्दी जल्दी हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग 8 बार सेलेक्ट कर दिए जल्दी जल्दी। तो आपका एंड्रॉयड वर्जन जितना है उतना बार आपको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, आपको देख के सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आपको पूरा बैक आना, यही आपको इस सेटिंग्स करना है और आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए पासवर्ड लॉक लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक सर्विस सेंटर का कोड बता रहे हैं, इस कोड को अप्लाई करना है और आपका स्मार्टफोन फ्री में अनलॉक हो जाएगा। चलिए आपको सर्विस सेंटर का कोड यूज करते हैं। इमरजेंसी कॉल में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इमरजेंसी कॉल में आप जैसे ही सेलेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से फिर से आपका यहाँ पर इमरजेंसी कॉल ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपका यहाँ पर ऑफलाइन मोड का कोड यूज हो जो क्या है यूज हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पर सर्विस सेंटर का कोड को यूज करना है। ये पूरी तरह से 100% वर्किंग कोड है। ठीक है, ध्यान से देख लेना है और इस कोड को डायल करना है। चलिए इस कोड को ध्यान से देख के आपको डायल करना है। वीडियो को कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपका स्मार्टफोन अनलॉक नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से इस कोड को देखना है, ये पूरी तरह से 100% वर्किंग कोड है। तो चलिए इस कोड को सबसे पहले हम लोग डायल करके आपको बताते हैं और आगे आपको बताएंगे करना क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस कोड को सबसे पहले आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर आपको डायल करना है *8037*009#। इस कोड को सबसे पहले देख लेना है और डायल कर देना है। ठीक है, अब ये कोड पूरी तरह से 100% वर्किंग है, लेकिन 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 ये कोड ओनली जनवरी इसमें आपका वर्क करेगा, दूसरा मान ये कोड आपका वर्क नहीं करेगा। चलिए अब आपको कंफर्म करा दिए, 7 times इस कोड को कॉलिंग करना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and last 7। तो यहाँ पर इस कोड को 7 times कॉलिंग करना है। ये पूरी तरह से 100% वर्किंग है जनवरी 2024 में, दूसरा मंथ ये कोड आपका वर्क नहीं करेगा। दूसरा मंथ के लिए इसी वीडियो के नीचे मैं आपको कमेंट करके बताना है न्यू कोड के लिए। ठीक है, और हम आपको न्यू कोड जरूर बताएंगे। ऊपर की तरफ से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर ब्लूटूथ एंड वाईफाई का जो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। ठीक है, ब्लूटूथ एंड वाईफाई को दोनों ऑप्शन को ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद यहाँ पर और कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर इतना ही सेटिंग्स को कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको पावर ऑफ कर देना है। चलिए यहाँ पर पावर ऑफ करते हैं। पावर ऑफ करने के बाद हार्ड रिसेट मोड में लेकर चलना है, वहाँ पर आपको बताएंगे करना क्या है। अभी भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपका स्मार्टफोन अनलॉक नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल तरीके से वॉल्यूम डाउन बटन एंड आपका ऑन बटन, ये दोनों बटन एक साथ आपको प्रेस करके रखना है कुछ सेकंड के लिए। यहाँ पर देखिए ओप्पो का लोगो आएगा, नीचे में आपको एंड्रॉयड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है, आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सिंपल तरीके से ऑफलाइन मोड का पहला कोड को आपको यूज करना है, उसके बाद आपको सर्विस सेंटर का कोड को यूज करना है और हार्ड रिसेट मोड में लेकर आना है और यहाँ पर आपको हार्ड रिसेट हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग का करना क्या है, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, हार्ड रिसेट करना है। पहले यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर शो नहीं कर रहा था। ठीक है, वाइप डाटा वाला ऑप्शन में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। वाइप डाटा में जैसे सेलेक्ट करते ना, यहाँ पर देखिए 100% पूरी तरह से यहाँ पर हम लोग का सक्सेसफुल हो चुका है। पहले यहाँ पर हम लोग का लॉक स्क्रीन पासवर्ड का ऑप्शन शो कर रहा था। अब यहाँ पर क्या करना है, एक एक करके आपको दोनों ऑप्शन को यहाँ पर पूरी तरह से फुल फॉर्मेट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला ऑप्शन हम लोग का सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर फॉर्मेट डाटा वाला ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको पूरी तरह से फुल फॉर्मेट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर फुल फॉर्मेट देखिए, यहाँ पर हम लोग का पूरी तरह से फुल फॉर्मेट होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक यहाँ पर आपका फुल फॉर्मेट नहीं हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मॉडल नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर ओप्पो A3s है हम लोग के पास। अगर आपके पास ओप्पो का कोई भी स्मार्टफोन है तो पूरा वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, आप घर बैठे ही फ्री में 100% आपका पैटर्न एंड पासवर्ड लॉक रिमूव हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ आपका जैसे कोड वर्क नहीं कर रहा है या आपका हार्ड रिसेट नहीं हो रहा, तो इसी वीडियो के नीचे में कमेंट करके हमको बताइए, नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक में जरूर बताएंगे। अगर आपका कोड वर्क नहीं कर रहा तो कमेंट करके हमको बताइए, हम आपको कमेंट में न्यू कोड जरूर बताएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग का देख सकते हैं पूरी तरह से फुल फॉर्मेट हो गया, ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको 4 to 5 minutes वेट करना है, उसके बाद आपका FRP ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो चलिए FRP को कैसे बाईपास करना है आपको यहाँ पर बताते हैं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिए। यहाँ पर देखिए FRP ऑप्शन आ गया। FRP के लिए आपको यहाँ पर सिंपल से लैंग्वेज में सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू में सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट 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 करके चलना है। फिर भी अगर आपका FRP यहाँ पर बाईपास नहीं होता है, कोई भी ओप्पो का स्मार्टफोन है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक कोड दे रहे हैं, ध्यान से देखना है। इस कोड को यहाँ पर इमरजेंसी कॉल में डायल करना है। इमरजेंसी कॉल में डायल करने के बाद इस कोड को FRP कोड है वो बता रहा है। FRP कोड ध्यान से देखना है और आपको यहाँ पर डायल कर देना है और आपका स्मार्टफोन फ्री में अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डायल करना है *8813# करना है। जैसे आप करते हैं यहाँ पर देखिए घर बैठे फ्री में 100% पूरी तरह से पासवर्ड लॉक एंड FRP लॉक पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट करके हमको बताइए। पूरी तरह से 100% हम लोग का पासवर्ड लॉक रिमूव